हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज। आई एम राजदीप सर, योर फिजिक्स लेक्चरर, एंड वी वर ऑन थर्ड बुक ऑफ बीएससी थर्ड ईयर हुज नेम वाज नेटवर्क थ्योरम। आवर टॉपिक वाज नेटवर्क थ्योरम एंड वी हैव डिस्कस टू थ्योरम अर्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज नॉर्टन थ्योरम। अब हमने करते हैं नॉर्टन थ्योरम। ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है और थेवेनिन थ्योरम जो हमने इससे पहले की थी उसी से मैच करती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ थेवेनिन थ्योरम में क्या था। थेवेनिन थ्योरम में था कि वहाँ पे अपने दो चीज़ें फाइंड करते थे, एक तो जेड ए क्यू यानी कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस यानी कि कुल प्रतिबाधा, और एक था वहाँ पे वी ए क्यू या ए ए क्यू जो अपने कहते थे कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल ड्रॉप। एक तो जेड ई क्यू और एक ए ई क्यू, ये दो चीज़ें हम फाइंड करते थे थेवेनिन थ्योरम में। अब आपको ध्यान होगा कि ए ई क्यू कैसे फाइंड करते थे। ए ई क्यू फाइंड करने के लिए हम जितने भी वोल्टेज सोर्स होते थे, ठीक है, उसको हम क्या करते थे, पहले अपने देखते हैं जेड ई क्यू। जेड ई क्यू कैसे फाइंड करते थे कि जितने वोल्टेज सोर्स थे हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते थे और पूरे सर्किट का टोटल इम्पीडेंस यानी कुल प्रतिबाधा निकाल देते थे। यानी जितने भी विद्युत स्रोत थे उनकी जगह हम क्या कर देते थे, उनकी जगह हम उनके आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर देते थे। या फिर सीधी लैंग्वेज कहें, अगर आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं दे रखा तो हम उसको शॉर्ट कर देते थे। उस केस में हम जेड ई क्यू फाइंड करते थे। और ई ई क्यू कैसे फाइंड करते थे, ई ई क्यू फाइंड करने के लिए हम जो लोड रेजिस्टेंस था आर एल उसको हम ब्रेक कर देते थे यानी कि ओपन कर देते थे, और फिर हम पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकालते थे। अब अपने आते हैं नॉर्टन थ्योरम पे। नॉर्टन थ्योरम में आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें तो था पहले ई क्यू फाइंड कर लो, फिर आपको जेड ई क्यू फाइंड करना पड़ता था। इसमें भी आपको वही काम करना है, एक तो आपको जेड ई क्यू तो फाइंड करना ही है, साथ में आपको क्या फाइंड करना है, ई ई क्यू जगह आई ई क्यू फाइंड करना है, बस इतना सा फर्क है। ओके, बस ये फर्क है, वहां पे ई ई क्यू था, यहाँ पे आई ई क्यू है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। पहली चीज तो ध्यान रखनी है इसमें कि जो नॉर्टन थ्योरम है ये कब अप्लाई होती है, जब हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क हो यानी कि दो टर्मिनल हो जिसमें वो किसके हो, आउटपुट के हो यानी निर्गत हो। थेवेनिन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम तब लगती थी जब हमारे पास फोर वे नेटवर्क था यानी टू इनपुट के थे और टू आउटपुट के थे। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट मिलेगा आपको, इनपुट की कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक सर्किट दे रखा है आपको, इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, दो ईएमएफ लगे हुए, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में पूछा गया आपसे, वो देख लेते हैं। इस सर्किट में पूछ रहे हैं कि यूजिंग नॉर्टन थ्योरम एंड डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस आर एल, यानी आपको ये बताना है इस आर एल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी इन सिंपल आपको आई एल निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इस सर्किट के लिए हम फाइंड करेंगे जेड ई क्यू, फिर हम फाइंड करेंगे आई ई क्यू, या आप जैसे मर्जी कर लो, पहले आई ई क्यू फाइंड कर लो या जेड ई क्यू फाइंड कर लो, फिर हम इसका नॉर्टन सर्किट बनाएंगे। इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो नॉर्टन बनेगा। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम आई ई क्यू। फर्स्ट आपका स्टेप है आई ई क्यू फाइंड करना है आपको। आई ई क्यू फाइंड करने के लिए ये ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था कि जब ई ई क्यू फाइंड करते थे तो हम आर एल को किससे रिप्लेस करते थे, ओपन सर्किट से। कहने का मतलब हम सर्किट ब्रेक कर देते थे, तोड़ देते थे, यानी इसकी जगह कुछ नहीं होता था, यहाँ पे करंट इधर नहीं जा सकता था। लेकिन अब अपने को आई ई क्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, आर एल को करेंगे शॉर्ट सर्किट। क्या करेंगे हम, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि इसकी इसमें आर एल की वैल्यू क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में हम ये मान लेंगे कि सीधी तार है बस। ओके, तो इस केस में आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
ये सीधी तार होगी, इसमें कोई RL नहीं है, RL है भी तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। RL का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। या फिर सीधा ये शॉर्ट हुआ पड़े, इस केस में हम ISC या IEQ फाइंड करेंगे, यानी इस टर्मिनल के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता लगाएंगे। इसका पता लगाने के लिए आप इसमें KCL लगा सकते हो। यहाँ पे ये मान लो कि एक करंट तो आ रहा है इधर से, एक करंट आ रहा है इधर से, ये मान लो I1 है और ये मान लो I2 है। तो सिंपली ये है कि इन दोनों का जो सम है वो इस IEQ केबल होएगा, क्योंकि यहाँ पर जो KCL है उसके अकॉर्डिंग IEQ किसके इक्वल होएगा, I1 प्लस I2 के। अब I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम E1 को R1 से डिवाइड करेंगे और I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम E2 को R2 से डिवाइड करेंगे। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया 12/20 और ये आ जाएगा 6/30। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6/10 और ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 1/5। ओवरऑल कितना आ जाएगा, 4/5 एम्पियर। ये हमने IEQ फाइंड किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, IEQ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, RL को किससे रिप्लेस करना है, 0 ओम रेजिस्टेंस से, या सर्किट को शॉर्ट कर देना है, उस परिपथ को लागू कर देना है। अब हम फाइंड करेंगे ZEQ। ZEQ कैसे फाइंड करना है, इसमें आपको जितने भी आपके पास EMF है या विद्युत वाहक बल है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या पोटेंशियल ड्रॉप है, विभवांतर है, जो भी है, उनको किससे रिप्लेस करोगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, आंतरिक प्रतिरोध से, या ये मान लो कि आप उनको हटा दोगे बस, ठीक है। तो इस सर्किट में अगर हम बात करें, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे और इसको ओपन करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। इसका डायग्राम मैं बनाया तो यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए, यहाँ बना देते। चलो ये टर्मिनल ए हो जाएगा, ये टर्मिनल बी हो जाएगा। ध्यान से देखो, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी है और ये दोनों रेजिस्टेंस कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको कि जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया और ए और बी के बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इंपीडेंस या कुल प्रतिबाधा निकाल रहे हैं। तो R1 की वैल्यू 12 है और R1 की वैल्यू 20 है और R2 की वैल्यू 30 है। ये 20 है और ये 30 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ZEQ कैसे निकाल सकते हैं, वो है 20 पैरेलल 30 के। तो इसके लिए दोनों का मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड कर दो दोनों के सम से, ये आ जाएगा 650 यानी कि बन जाएगा ये 12 ओम। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पे इतना करने के बाद अब आपको बनाना है इक्विवेलेंट सर्किट इसका। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको दिखाना है करंट सोर्स जो कि आपका था IEQ, एक आपको यहां पे दिखाना है
जेड ई क्यू, जो कि आपने कितना निकाला, 12 ओम निकाला, और करंट कितना निकाला था आपने, 4.5 एम्पियर। और कैलकुलेशन किसकी करनी थी, आरएल की करनी थी, तो आरएल आप जेडएल की करनी थी तो जेडएल यहां कर देना, और ये आपका बन गया सर्किट। और इस जेडएल की वैल्यू को दे रखी है कितनी, आरएल के इक्वल दे रखा है 16 ओम। तो ये बन गया इक्विवेलेंट सर्किट, यानी समतुल्य परिपथ। ये समतुल्य परिपथ किसका है, ये समतुल्य परिपथ इस सर्किट का है, यानी इस सर्किट को भूल जाओ, इसकी जगह हमने क्या बना दिया, हमने ये वाला सर्किट बना दिया। ओके, अब हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, इसमें करंट की वैल्यू निकाल लिया, कितना करंट फ्लो है, मान लेते हैं आईएल फ्लो है, आईएल की वैल्यू निकाल लिया। आईएल की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसमें केवीएल लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो, उससे कैलकुलेट कर सकते हो आप, या फिर आप इसमें वोल्ट करंट डिवाइडेशन रूल लगा देते हैं। सबसे ईजी रहेगा करंट डिवाइडेशन रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आईएल जो है ना वो कैसे निकालोगे, क्योंकि मेन करंट तो ये है, इसका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है पार्ट इधर जा रहा है, तो आईएल की वैल्यू क्या होगी, पास वाला करंट लोगे तो 16, और नीचे लोगे टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 16 प्लस और इसका मल्टीप्लाई किससे कराओगे, इस करंट से 4.5 से। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा 16/28, 28 4 से कट हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7/5 जो 35, तो बन जाएगा 16/35 एम्पीयर। अगर आप करंट डिवाइडेशन रूल भूल जाते हो, उस केस में आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप केवीएल लगा सकते हो इसमें, वो भी कहते हैं कैसे लगेगा, आप इसमें ऐसे, आपको दो लूप दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं करंट यहाँ पे आई वन फ्लोर है, चलो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक तो केवीएल लगा रहे हैं अपने यहाँ पे, अपने क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो इसका आखिरी साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा चलो इसमें लगाते हैं केवीएल, ठीक है, यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकेंड लूप पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आखिरी साइन क्या है, माइनस का है, माइनस आई एल इंटू 16, और इसका आखिरी साइन क्या है, पॉजिटिव है, प्लस आई वन इंटू 12 का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट लूप में देख लेते हैं, फर्स्ट लूप में एक्चुअल में क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा केसीएल, KCL के अकॉर्डिंग IAQ किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस IL के। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो रखते चले जाओ, IL पता है आपको, नहीं पता, I1 पता है आपको, नहीं पता, IAQ पता है, हाँ जी पता है, 4.5 है,
ये इक्वेशन आ गई, ये भी आई एल की इक्वेशन है, ये भी आई एल की इक्वेशन है, आई को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ से आई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 माइनस आई एल 16 आई एल 12 इंटू 4.5 माइनस आई एल इक्वल टू 0, आई एल कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा माइनस 16 और यह आ जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होके उधर ले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 बाय 5 माइनस का हो जाएगा, ये सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आई एल इक्वल आ जाएगा 12 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम यानी कि 28। ओके तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 7 यानी कि 12/35 एम्पियर, यहाँ थोड़ा सही कर लो, यहाँ 12 होना था क्योंकि दूर वाला करंट लेते हैं, ओके करंट डिवाइडेशन रूल में क्या करना पड़ता है, दूर वाला रेजिस्टेंस लेना होता है, ओके तो ये दूर वाला ये था और नीचे दोनों का सम, और यहाँ पे अगर करंट डिवाइडेशन रूल अगर आप भूल जाते हो तो आप सिंपली किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये हमने आई एल फाइंड कर लिया है, इसी क्वेश्चन में ये पूछा था आई एल क्या होगा और किसकी हेल्प से फाइंड किया, ये नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से, इसके तीन स्टेप वापस रिपीट कर देता हूँ, एक तो इसमें आपको क्या करना है, आई ई क्यू निकालना है, फिर आपको जेड ई क्यू निकालना है, जेड ई क्यू ऐसे निकालना जैसे थेवेनिन थ्योरम में निकाला था, और आई ई क्यू निकालने पे ध्यान रखना है कि आपको आर एल को किससे रिप्लेस करना है, उसको जीरो ओम से करना है यानी सर्किट को शॉर्ट कर देना है, और इसके बाद आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जिसमें आई ई क्यू के पैरेलल आपको जेड ई क्यू रखना है, ध्यान रखना है ये दोनों पैरेलल रहेंगे, ओके ये क्या रहेंगे पैरेलल, जबकि थेवेनिन थ्योरम में उल्टा था, वहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था और जेड ई क्यू अपने यहाँ लगाते थे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको पैरेलल लगाना है, जबकि थेवेनिन थ्योरम में हम सीरीज में लगाते थे वोल्टेज के, और फिर आपको इसकी कैलकुलेशन करके आई एल निकाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना और नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसके साथ ही। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसमें क्या है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कोई इम्पीडेंस है Z1, यहाँ पे भी कोई इम्पीडेंस है Z2, और इस सर्किट में दो लूप हैं, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप, ओके अगर एक सर्किट की इमेजिनेशन और करें हम यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे इम्पीडेंस Z1 है, यहाँ पे इम्पीडेंस Z2 है, और यहाँ पे सेम वोल्टेज सोर्स है E1, और ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, तो क्या होगा, यानी कि सब कुछ सेम है, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था उसको हमने यहाँ लगा दिया सेकंड लूप में, तो होगा क्या, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो आएंगे, मान लेते हैं इस पे करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, मान लो इस पूरे फर्स्ट लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 फ्लो हो रहा है, और सेकंड लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लो I2 फ्लो हो रहा है, इधर फर्स्ट लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं I1- फ्लो हो रहा है, और सेकंड लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2- मान लेते हैं, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर सेम वोल्टेज सोर्स हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं सेकंड लूप में, तो ये जो करंट I1 है, करंट ये I2 जो है ना
सेकेंड लूप का जो करंट I2 है ये किसके इक्वल होएगा, I1 डैश के, दैट्स इट, बस इतना ही है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है तो सेकेंड लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो करंट अगर सेम वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दें सेकेंड लूप में, तो फर्स्ट लूप का जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि I2 इक्वल हो जाएगा I1 डैश के। ओके, वोल्टेज सोर्स को अगर दूसरी तरफ लेके चले गए तो दूर वाले जो लूप, जो हमारे पास लूप था उसका करंट इक्वल रहेगा, यानी इसके लिए दूर वाला लूप ये था, इसके लिए दूर वाला लूप ये था, और दोनों का जो करंट है वो इक्वल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, अपने बड़ी नोट्स बना लेना। हमने यहाँ पे अभी दो थ्योरम किए, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी थ्योरम। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।